बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहमतहू नसल्ली अला रसूलिल करीम। बदर एक्सपो सॉल्यूशन और KPWS कंसल्टिंग के तावन से ये एक बहुत ही अहम वेबिनार है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। आप सबको इसमें खुश आमदेद। हमारे पैनलिस्ट हजरात जो हैं वो हैं जनाब मोहम्मद नजीब हारून साहब, मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, मोहम्मद वसीम अजहर साहब, प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स पाकिस्तान के, मोहसिन अबू बकर शेखानी साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, अभी उन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया है, आई डू होप कि वो हमें ज्वाइन करेंगे। उसके बाद मोहम्मद एजाज साहब हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आरिफ हबीब डॉल्मिन रीट मैनेजमेंट लिमिटेड के, और आसिफ हैदर मिर्ज़ा साहब हैं जो कि CEO हैं IQ फिनकॉन प्राइवेट लिमिटेड के, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी है। आई एम खालिद परवेज, CEO ऑफ KPWS कंसल्टिंग विच इज़ MEP कंसल्टिंग पावर जनरेशन एंड सोलर सिस्टम्स कंसल्टिंग कंपनी। हम आगाज़ करेंगे पहले पैनलिस्ट के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से, उसके बाद आज के जो वेबिनार के सेलेंट आस्पेक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उन पर बात होगी, और उसके बाद फिर मैं पैनलिस्ट हजरात को दावत दूंगा अपने अपने बात करने की अपने उन टॉपिक्स पे। मोहम्मद नजीब हारून साहब हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, माशाल्लाह मेंबर है नेशनल असम्बली के, बाय प्रोफेशन ही इज़ ए सिविल इंजीनियर, अमेरिका से इन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली। ही इज़ दी ओनर ऑफ़ ए वेरी सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रिंसिपल बिल्डर्स पाकिस्तान के, बड़े फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स पे इनको काम करने का एजाज़ हासिल। और जो एक बड़ी अहम बात है जो कि बताने के काबिल है वो ये है कि नजीब हारून साहब जो हैं हाइएस्ट टैक्स पेइंग पॉलिटिशन। फिर हमारे पास मोहम्मद वसीम असगर साहब हैं, वो भी बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हैं, ही इज़ मेंबर गवर्निंग बॉडी ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ही इज़ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ PDMA बलोचिस्तान, ही इज़ मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पेपरा बलोचिस्तान एंड मेंबर ऑफ वेरियस अदर नेशनल एंटिटीज, एंड ही हैज़ रिसेंटली बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स पाकिस्तान। वसीम साहब CEO हैं कासिब एसोसिएट्स के, जो कि एक इस्लामाबाद बेस्ड कंसल्टिंग और आर्किटेक्चरल फॉर्म है। मोहसिन अबू बकर शेखानी साहब हैं, उन्होंने अभी भी हमें ज्वाइन तो नहीं किया है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इज़ अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड डेवलपर, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ हिना हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, और उन्होंने बहसी चेयरमैन आबाद के इससे पहले भी रोल अदा किया है। मोहम्मद एजाज साहब हैं, माजरत करता हूँ कि वो एजाज साहब का नाम जो था MS एजाज हो गया था, SM एजाज हो गया था। एजाज साहब ही होल्ड्स MBA इन फाइनेंस बैंकिंग फ्रॉम IBA एंड BS इन कंप्यूटर सिस्टम्स, वेरी फाइन कॉम्बिनेशन आई वुड से। ही हैज़ सर्वड एट सीनियर पोजीशंस बोथ इन लोकल एंड इंटरनेशनल बैंक्स। ही इज़ ए मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस ग्रुप कंपनीज ऑफ आरिफ हबीब ग्रुप। ही इज़ अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर एंड ए वेरी विटी पर्सन, यू वुड लव टू मीट हिम। आसिफ हैदर मिर्ज़ा साहब, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड मल्टीपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ऑल्सो वर्क ऑन द फर्स्ट ADB फंडेड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। एंड very important to note that he has contributed in the public private partnership policy frameworks for Sindh, Punjab and KPK. So we are thankful to you for giving time and being here to address to focus on various important aspects of the construction industry in Pakistan. Construction industry includes construction of all kinds of buildings, structures, infrastructures, renovation and expansion works, and it is the second largest business sector in Pakistan's economy after agriculture.
It employs more than 7 million workers and professionals and is valued at over 1.3 trillion. That's an average figure over years. But when you have mega projects like dams and things like that, then of course you have much more number of professionals employed. You have the value of undertaking is would not be 1.3 trillion, it would certainly be more than that. COVID-19 mein jaise sari duniya mein uske impacts aaye the, masail hue the, usi tarike se Pakistan mein bhi hue, aur Pakistan ki construction industry, which unfortunately for various reasons was already under suppressed condition, had serious implications. Prospects of incentives, isme phir ye hua ki hamare Prime Minister ne construction industry ko boost karne ke liye koi 30 billion rupees ke 30 billion rupees ke unhone jo the hame 30 billion rupees ke incentives diye mukhtalif shaklon mein, us pe bhi hum baat karenge bhi. उसके बाद हम बात करेंगे, वो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है हमारे लिहाज से कि प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, और पोटेंशियल रोल ऑफ कंसल्टेंट्स क्या है जिसकी मदद से कुछ कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड्स जो हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके. जैसा कि आप हजरात मेरी बात से मुत्तफिक यकीनन होंगे कि उसमें बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं जो कि इससे रिलेट करते हैं, लेकिन हम उन सब चीज़ों पर बहस नहीं कर सकते. मैन पावर डेवलपमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है. इनोवेशन इन कंस्ट्रक्शन एंड इनोवेशन इन प्लानिंग एंड डिज़ाइन, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, उस पर हम बात नहीं कर पाएंगे. हमारी सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं कंस्ट्रक्शन में, उसमें हम बात नहीं कर पाएंगे. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. नेचुरली इसके लिए एक पूरे दिन का या शायद दो दिन का एक वो सेमिनार किस्म की चीज़ चाहिए. इस मुख्तसर से वक्त में ये मुमकिन नहीं है. इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स, एशियन बैंक डेवलपमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स, उनकी हैंडलिंग कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, उसके क्या हुआ है, मीडिया है, मैकेनिज्म्स हैं, हाउ टू मेक दैट मोर एफिशिएंट, मोर ट्रांसपेरेंट, ये चीज़ें हम बात नहीं कर पाएंगे रिग्रेटफुली. तो ये एक मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है. अब इसके बाद हम एक्चुअल एक डिस्कशन पर आते हैं, और उस हवाले से मैं सबसे पहले दावा दूँगा जनाब मोहम्मद नजीब हारून साहब को, और उनसे मैं जानना चाहूँगा हमारे सब के बेनिफिट के लिए कि गवर्नमेंट का क्या विजन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, जो चैलेंजेस हैं हमारी सप्रेस्ड इकोनॉमी की वजह से, इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से, और पूरे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो चैलेंजेस हैं, उस हवाले से आपका क्या ख्याल है कि हाउ वेल इक्विप्ड आर वी as far as the government is concerned. Janab Najib Harun sahab. Priya Khalid bhai, can you tell me how many minutes I have left, Khalid bhai? Sorry, repeat kijiye, main suna nahi. Main keh raha hu mujhe kitna time aapne kitne minutes diye taaki main uske andar आप normally तो हमारा इसमें 5-8 मिनट है, लेकिन आई थिंक आप 10-12 मिनट ले लीजिए उसमें अगर कर सकें, और आप समझते हैं कि मुश्किल है. मैं पाकिस्तान पार्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड द डेवलपिंग कंट्री हमारी गवर्नमेंट इसमें बेसिक चीज़ ये है कि वी डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील, क्योंकि बात चीज़ें दुनिया के अंदर और खत्ते के अंदर जहाँ पर हमसे आगे लोग पहुँच गए हैं, तो वो एक जो कुछ बेसिक काम जो होने हैं उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने तवज्जो दी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ज़ाहिर बात है इज अ फ्रंट रनर. जब ये आगे आगे हरावल दस्ते के तौर पे दौड़ती है तो फिर इसके पीछे सारी एलाइड इंडस्ट्रीज, सपोर्ट इंडस्ट्रीज भी उसी रफ्तार से उसको केटर करती हैं. तो हैविंग सेड दैट, ज़ाहिर बात है कुछ बेसिक डेफिनेशन हैं, बाज़ औक़ात हमारे यहाँ वो भी कटमट हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जैसे एक डेवलपर होता है, एक बिल्डर होता है, या बिल्डर अब वेस्ट के अंदर उसको बिल्डर बोलते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उसको कंस्ट्रक्टर का लाइसेंस देती है, या उसके बाद हम उसको ठेकेदार भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी कहते हैं, और ज़ाहिर बात है कंसल्टेंट्स आर जो इसे कहना चाहिए उनका पिवोटल रोल होता है. तो सबसे पहला जो मेरे ख्याल में जो ज़रूरी चीज़ है
कंस्ट्रक्शन का अनफॉर्चुनेटली आज भी एज एन इंडस्ट्री हम इसको अपने सिस्टम में रिकग्नाइज नहीं करा पाए हैं, बजाय इसके कि इतना बड़ा, बावजूद इसके कि इतना बड़ा इसका हिस्सा है और उसी के लिए जाहिर बात है कि पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज थी जो पिछले 20-25 साल के अंदर नाउ दे बिकम डेवलप्ड कंट्री और दे कैन दे आर नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड, तो उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, अब इसका क्या स्कोप ऑफ एक्टिविटी होना चाहिए और इसकी क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, सार बात है कि वो और क्या मैंडेट होना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक डेवलपमेंट बोर्ड डाउन द लाइन इट कंस्ट्रक्शन बैंक की भी जरूरत पड़ेगी बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि जो नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स हैं वो कंस्ट्रक्शन की उस डायनेमिक्स को और उसकी रिक्वायरमेंट्स को केटर करते भी नहीं है और ना इसके लिए उनके पास कोई वो एलोकेशन होते हैं कि उस पैमाने पे डेवलपमेंट को कर सकें। जैसे मैंने आपसे कहा कि डेवलपर्स, कंसल्टेंट्स, कंस्ट्रक्टर, इसमें लाइबिलिटीज के भी इशू आ जाते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ हम उसको गड़बड़ कर देते हैं जो कि इंटरनेशनली इसके अंदर हैज टू बी वेल डिफाइंड। फिर जो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट्स हुए नहीं उतने बड़े जितने दुनिया में हुए और पाकिस्तान में इस वक्त रीजन के अंदर भी और साथ साथ रीजन से बाहर भी जहाँ जहाँ जो जो कंट्रीज डेवलप हुई वहाँ पे सेचुरेशन हुई, चाहे वो चाइना हो, चाहे मलेशिया हो, टर्की हो, और वहाँ पर जो सेचुरेशन हुई तो वहाँ पे जो कंपनीज डेवलप हुई उनकी कैपेसिटी भी डेवलप हुई और उसके साथ साथ उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज भी या बॉन्डिंग की या गारंटीज की। तो हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इनफेंसी में लफ्ज में इस्तेमाल करूँगा उसकी बॉन्ड्स और गारंटीज की कैपेसिटी भी लिमिट हो गई अनफॉर्चुनेटली, कि वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब तक किसी बाहर की कंपनी के साथ कंसोर्शियम ना बनाए वो कर नहीं पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके अंदर तीन तरह से इसको इनकरेज किया। एक तो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर कह लें, डेवलपर्स कह लें, तो ये जो गवर्नमेंट का जो प्लान था वो डेवलपर्स सेंट्रिक, मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ, के अंदर करेंगे सवाल को अब अच्छा होना वो सारी चीज में उसके ऊपर ये इसी तरीके से नया पाकिस्तान और जो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हुई, आम आदमी तक इस बातों को सब वहाँ भी रह जाता है इतना घर है अफोर्डेबल हाउसिंग नया पाकिस्तान का मैंडेट था जो सरकार ने पचास लाख करोड़ था, थर्टी बिलियन का आपने जो फरमाया भी खालिद भाई, तो ये भी फर्स्ट 100,000 जो यूनिट्स बनेंगे चाहे वो अपार्टमेंट्स होंगे चाहे वो हाउसिंग यूनिट्स होंगे उनको पर यूनिट 3 लाख रुपए की एक तरह का सब्सिडी कह लें तो गवर्नमेंट ने उसको भी इंसेंटिवाइज करने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए ये उसके अंदर रखा है। और जो ऐसे मैंने कहा कि डेवलपर बेस्ड जो डेवलपमेंट है सार बात है वो फ्लैगशिप होता है, क्योंकि जब कोई डेवलपर कोई प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है चाहे वो ज़्यादातर हाउसिंग रिलेटेड ही हो या कोई भी, तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और पूरी इंडस्ट्री भी मोबिलाइज हो जाती है। जहाँ तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात हो रही है तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स की जो मिनिस्ट्री है जिसके मिनिस्टर असद उमर साहब हैं उन्होंने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है, उसके अंदर एक सब ग्रुप बनाया है जिसको मैं चेयर कर रहा हूँ और हमने पूरे पाकिस्तान से कुछ दोस्तों से मदद ली है, तो दो चीजों के ऊपर उसके अंदर वी वुड बी वर्किंग। अब उसका रिसेंटली चंद दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ है
एक तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, उसमें हम कंसेंसस बनाए जो डिफरेंट जैसे जो स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस बने, और हम ताकि सारा का सारा धक्का या सारा का सारा जो मूवमेंट है वो कंफ्लिक्टिंग ना हो और मुख्तलिफ डायरेक्शन से जोर लगने की बजाय वो यूनिडायरेक्शनली हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जिसमें अभी डेवलपमेंट की सारी मनाजिल तय करनी है, तो उसके अंदर हम इसको इफेक्टिव करें और इंडिजिनस इंडस्ट्री को इफेक्टिव करें ताकि वो अपना हिस्सा, अनलेस के कोई बहुत ही हाई टेक प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर इन्वॉल्व हो, तो उसके अंदर बाहर की कंपनी रोल प्ले करें, लेकिन जो कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन है वो कंपनी लोकल कंपनीज उसको करें। दूसरा जो सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो है जिसको हम कहते हैं कि अर्बन जो रिन्यूअल कह लें या ये जो रीजनरेशन कह लें, कि जो हमारी कच्ची आबादियां हैं या जो हमारे स्लम्स हैं जो उनको हम अर्बन अर्बन एरियाज के अंदर उसको रिन्यूअल करें उसका, और वहाँ नए प्रोजेक्ट्स बनाएं, क्योंकि इन द मिडल ऑफ द सिटी बहुत सारे स्लम एरियाज इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि जिनके अंदर जो लैंड जो वैल्यूड है वो वहाँ पर लीज लैंड की वजह से जो आबादियां हैं और वहाँ कच्ची आबादियां या स्लम्स हैं, तो उसके ऊपर भी एक काम हो रहा है। यकीनन जो ज्यादा बड़ा काम होना है, और आपने फरमाया कि हमारे पैनलिस्ट के अंदर अजबैदर साहब हैं जिन्होंने ये पब्लिक प्राइवेट मॉडल के ऊपर काम किया, ये सबसे बड़ा काम जो करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो रूल्स ऑफ द गेम बनाने, रेफरी के फराइज अंजाम देने, रेगुलेटरी बॉडीज बनानी है, ओवरसाइट के लिए बॉडीज बनानी है, लेकिन इट वुड बी द प्राइवेट सेक्टर एट द एंड ऑफ द डे जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लीड करेगा। यहाँ पर ये अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री ऐसी है कि जैसे आप कोई टीम बगैर गोलकीपर के मैच में चली जाए तो सामने जो भी टीम आती है उसके ऊपर गोल गोल मार मार के गोल कर करके उसको फारिग कर देती है। तो वेरी कॉम्पिटेंट पीपल नीड टू सेट ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल ताकि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसके अंदर प्राइवेट इंटरेस्ट को सिक्योरिटीज भी मिले, उसके 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 उसकी बिहेवियर को भी डिसिप्लिन किया जाए, और ताकि प्रोजेक्ट जो हैं वो उनकी लाइफ साइकिल भी लंबी हो, और उसके अंदर जो 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 प्राइवेट इंटरेस्ट होता है, जो लोग बुकिंग करते हैं, जो एक्चुअली एंड यूजर होते हैं, जो इस इन प्रोजेक्ट के बेनिफिशरीज होते हैं, जिनके पैसे से बनता है, वो बेचारे बेहाल हैं क्योंकि वो लावारिसों की तरह होते हैं, क्योंकि उनको हमारी रेगुलेटरी बॉडीज या हुकूमत प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, उनको हम रहमो करम पे छोड़ देते हैं। अ लॉट हैज टू बी वेट, अ लॉट हैज टू बी डन, लेकिन रियलाइजेशन प्रेजेंट गवर्नमेंट को ये है कि जब तक ये पहिया कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट का नहीं चलेगा तो पाकिस्तान के अंदर जो हम 1 करोड़ नौकरियों की बात इमरान खान साहब ने की थी या 50 लाख घरों की थी, या पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट होना है वो उस तरीके से जिस तरह से विजुलाइज किया गया है वो नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स मेजर रोल जिसे कहते हैं वो कंसल्टेंट्स का है। कंसल्टेंट्स प्रोजेक्ट्स को जो डेवलपर कंसीव करता है उसको कागज के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर, स्पेसिफिकेशन के जरिए उसको शक्ल देते हैं। इसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है। आज जितने कंसल्टेंट हैं उतने कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेटिंग है, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में ही काम करता हूं, तो सेक्टर का तो बहुत ज्यादा तजर्बा नहीं, और जिन वजूहत की वजह से मैं पब्लिक सेक्टर से दूर भी रहा वो भी मेरे ख्याल में कोई पोशीदा नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्डाइजेशन है और उस लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट्स का, ताकि जो स्पेशल कंडीशंस हो, हर कंसल्टेंट ने अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, हर क्लाइंट अपनी डिक्टेशन करता है, जिसके नतीजे से आखिरी में वो चूचू का मुरब्बा बन जाता है, और वी हैव ऑल अराउंड अस फेल्ड प्रोजेक्ट्स, डिलेड प्रोजेक्ट्स,
वो प्रोजेक्ट जो जो जिनके बजट ओवररन कर जाते हैं, तो अलॉट इज टू बी वेट, अलॉट हैज टू बी डन, लेकिन कुछ स्टेप्स लिए गए, एवरीबडी हैज टू एक्ट साइमल्टेनियसली एंड कॉन्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनेट कंसल्टेंट बहुत काफी स्कूल के अंदर अगर हों और क्लाइंट बहुत कॉम्पिटेंट हों तो कंस्ट्रक्टर भी इतनी कॉम्पिटेंट है, लेकिन जिन्होंने फाइनली डिलीवरी करनी है उस टाइम फ्रेम में, उस कॉस्ट में, उस बजट के अंदर, उस क्वालिटी के अंदर, तो वी ऑल हैव टू राइज टू द ओकेजन एंड डू आवर पार्ट टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। एंड आई एम श्योर कि आप सब लोग इसमें अपना अपना हिस्सा डालेंगे, जो जो आपकी सोच है, फिक्र है। एट द एंड ऑफ द डे जो इस कमेटी में भी मैं, मेरी जितने से कुछ लोग हैं उसके अंदर ऑलरेडी, और मैं इंशाल्लाह कुछ कंसल्टिंग इंजीनियर्स भी हैं और कुछ कंस्ट्रक्टर्स भी हैं, तो मैं जिस सब ग्रुप की बात कर रहा था, तो इंशाल्लाह और लेटरल इनपुट्स लेके यू विल ट्राई कि एक हम ऐसा खाका बनाएं जिस पर कंसेंसस हो एंड देन थिंग्स मूव अल्हम्दुलिल्लाह एट द पेस विच पाकिस्तान नीड्स। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कोई ऐसी कोई क्या कोई रेगुलेटरी बॉडी हेल्पफुल हो सकेगी जिसमें के जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं ख़ासतौर से डेवलपर्स के, उनको एड्रेस किया जा सके। दूसरा इसमें एक आस्पेक्ट ये है, कोई नथिंग नथिंग अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर टॉपिक, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन जो है ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है। अब प्रोविंसेस में भी ये है कि अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, अलग अलग रेगुलेशंस हैं, कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो आपने कहा वो नहीं मिलता। उसी तरीके से जो रिड्रेसल ऑफ इश्यूज हैं उस पर कोई कोई एक सिंगल बॉडी ऐसी नहीं नज़र आती जो कि मसाइल को हल कर सके, इस बारे में आपका क्या ख्याल? उसमें खाल भाई एक वेल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टेज में है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की लाइसेंसिंग बॉडी एस बी एफ ऑफिंग वो डिसिप्लिन के लिए कंट्री वाइज मुझे रिपोर्ट करने की काउंसिल के अंदर है। ये बात आप सही है कि आपके भी रूटीन अमेंडमेंट हाउसिंग जो है वो प्रोविजनल प्रत्येक बन गया है और कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा क्वांटम जो है वो हाउसिंग भी है। ऑल इज नॉट अबाउट हाउसिंग इतिहास से तो ये भी, और जैसे मैंने कहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जो कि कन्नाटी डिफेंस वो भी कंस्ट्रक्शन की जो अलाउड डायरेक्शन है और जो लाइसेंसिंग को लेके तमाम चीज़ों को, तो ये फेडरल गवर्नमेंट को गाइडलाइन और डायरेक्शन अफकोर्स इसकी जो जो क्रिटिकलिटी है वो अपने अपने हालात और अपने अपने मामला के मुताबिक, और कम से कम अपने सेंट्रल लेवल कम गाइडलाइन कम सेंट्रलाइजेशन। थैंक यू सर। वी हैव नाउ मोहसिन शेखानी साहब, चेयरमैन आबाद ने हमें ज्वाइन कर लिया है और बड़े इस लिहाज से अच्छे वक्त पर ज्वाइन किया कि उन्हीं के लिए एक सवाल है। और मैं आपसे मोहसिन साहब भी पूछना चाहूँगा कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें क्या मेजर इश्यूज़ हैं जो आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, और ऐसे इशूज़ जिनको आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट से एक बेहतर तरीके से हल किए जा सकते हैं। मोहसिन शेखानी साहब, मोहसिन साहब आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली इश्यूज तो बहुत थे इस इंडस्ट्रीज को, सबसे बड़ा इशू तो ये था कि इंडस्ट्री नहीं थी जो डिक्लेयर कर दी गई और जो पैकेज आया है। आवाज़ आ रही है? थोड़ी हल्की आवाज़ है। कुछ इम्प्रूवमेंट की मेरे ख्याल आपके एंड से गुजर, वॉइस क्लियर है मेरी? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, थोड़ा
थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइएगा, वॉल्यूम बढ़ सकता है एक मिनट थोड़ा, अगर पूरे करीब आके बात कर लें उसके माइक के ज़्यादा ज़ोर से। सॉरी फॉर दिस, मैं कोशिश करता हूँ। आ रही आवाज़ अभी? हाँ जी, बेहतर है, बेहतर है। मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली इश्यूज तो बहुत सारे थे बिफोर अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के इस इंडस्ट्री को, मतलब इंडस्ट्री ही नहीं थी जो दर्जा मिलने के बाद इसको एक डिफरेंट किया जा सके, और इसके इश्यूज को जितनी भी अथॉरिटीज़ थी जो अप्रूवल अथॉरिटीज है उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा थे, और जो बहुत सारी 18-20 थी, और अब क्या और क्या रहे, और डे टू डे चीज़ें बेहतर हो रही है। हम समझ रहे हैं कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इसको डील कर रहे हैं को आने वाले वक्तों में जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो मैन टू मैन कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे, डिजिटलाइजेशन जो हमारी डिमांड वो होने जा रही है। मार्केट्स के बहुत तो बहुत सारे ऐसे काम होने जा रहे हैं जो बहुत सारे हजरत और प्रॉब्लम थे लास्ट 72 साल से, लेकिन मैं समझता हूँ कि लास्ट 30 महीनों में बहुत चेंज किया है उसको, और उसको जो लीड कर रहा है पाकिस्तान को बहुत बड़ा वो प्रोजेक्ट हो रही है। मैं समझता हूँ कि आपका जो दोस्त थैंक यू, थैंक यू मोहसिन साहब। अच्छा, इसी हवाले से ज़रा कुछ आप इस पर रोशनी डालिएगा। वैसे आपने खासा कवर तो कर लिया है, बट इफ़ यू वांट टू से समथिंग मोर अबाउट द प्रिवेलिंग इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट्स, उस हवाले से आप मज़ीद कुछ कहना चाहें तो बताइए प्लीज़। देखिए, ये वो टाइम है जो इस इंडस्ट्री को मैं समझता हूँ आने वाले वक्तों में ये वो वाइड इंडस्ट्री अभी जो होगी जिसको इतने बेनिफिट्स हैं, ये इंडस्ट्री को बेनिफिट नहीं है, एक आम पब्लिक को भी बेनिफिट है। आम आदमी 5% पे लो कास्ट हाउसिंग का एक कॉन्सेप्ट है, 7% का जो नॉर्मल मीडियम क्लास का है, तो ये सारे ऐसे सेंटिमेंट हैं जो आने वाले वक्तों में बेहतरी की तरफ जाएंगे। और ये इंडस्ट्री जब मूव करती है तो 40 अलाइड इंडस्ट्री मूव करती है, और उसके साथ साथ आपकी जॉब क्रिएशन होती है। तो ये ऐसा मैं समझता हूँ कि गेम चेंजर होगा कि अब आने वाले वक्तों में आई थिंक 10 लाख के हिसाब से एक हमने टारगेट अचीव किया है कि आने वाले पहले साल में कोई 10 लाख यूनिट के करीब आएंगे। 1 लाख यूनिट हमने डिज़ाइन कर लिए हैं, 9 लाख यूनिट में भी विद इन 12 मंथ मुझे उम्मीद है, और जो एक टारगेट और विजन था प्राइम मिनिस्टर का 50 लाख घरों का वो भी एक्टिव होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इस इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, और जिन लोगों के घर कभी नहीं थे वो पहली दफ़ा घर ले सकेंगे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसी के सेंटिमेंट की वजह से आज स्टॉक में, आज स्टॉक एक्सचेंज जो चल रही है स्टील्स एंड सीमेंट्स के शेयर्स हैं और बाकी जो रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी मूव कर रहे हैं, एलाइड इंडस्ट्रीज़ भी मूव कर रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं और अच्छा सेंटिमेंट है। ये टोटल इकोनॉमी का चेंज ओवर होगा कि ये जो जीडीपी का इफेक्ट आएगा, और जो अभी जो सिचुएशन है हम बिलो द लेवल जीडीपी है वो इसमें बहुत हेल्प आउट होगी। आई थिंक सो 2.75-3% जीडीपी को मूव करेगा ये। थैंक यू मोहसिन साहब। नजीब हारून साहब ने जोर दिया इसमें, बताया कि कंसल्टेंट्स का भी बहुत अहम रोल है। उस हवाले से मैं वसीम असगर साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं हमारी एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ इस पर रोशनी डालिए कि हमारे कंसल्टेंट जो हैं कलेक्टिवली कैसे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर सकती है। वसीम असगर साहब, सबसे पहले तो खालिद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन, और ये जो टॉपिक भी आप किया, मैं समझता हूँ कि नीड ऑफ द डे इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है
और उसको चेंजेस दरपेश हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको स्पेसिफिक जो आपने सवाल किया उसको रिस्पॉन्ड करूँ, दो तीन बातें जो नजीब हारून साहब जो हमारे सीनियर भी हैं माशाल्लाह, एक सक्सेसफुल डेवलपर भी हैं, बिल्डर हैं, और शेखानी साहब ने कुछ बातें की उस पर मैं थोड़ा सा फीडबैक अपना और एडिशन करना चाह रहा था। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात हुई कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर यानी कि जो नजीब हारून साहब ने कहा गवर्नमेंट कभी भी बिजनेस रन नहीं कर सकती, बिजनेस सेक्टर ने ही रन करना है। कंसल्टेंट, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारी इंडस्ट्री में इन तीनों ने बिजनेस रन करना है। गवर्नमेंट का काम है रेगुलेटर, उसको रेगुलेट करना, उसके लिए एक इन्वायरमेंट देना काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट जो है वो उस लेवल तक मैं समझता हूँ कि वो स्पेस रोल अदा करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकी। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त अगर हम देखें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स या सक्सेसफुल स्टोरीज पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेंगी। रीज़न बिहाइंड दिस कि जब एक प्रोजेक्ट कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर एग्जीक्यूट भी हो जाता है तो अक्सर हम देख रहे हैं कि आफ्टर चेंज ऑफ गवर्नमेंट वो इंक्वायरीज में, नैब इंक्वायरीज में, लिटिगेशन में चला जाता है। तो हमें वो वीक एरिया आइडेंटिफाई करने हैं कि ये क्यों इस तरह हो रहा है। उसकी जो सबसे बड़ी एक मेजर रीज़न है वो ये है कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में, ये जो अगर टू डिकेड्स हम देखें, लास्ट 2000 से 2020 का इरा अगर हम देखते हैं, इसमें पाकिस्तान में मेजर इन्वेस्टमेंट्स आई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के हवाले से। एशियन बैंक को देख लें, वर्ल्ड बैंक के इन्वेस्टमेंट देखें, इवन फेडरल पीएसडीपी का अगर हम साइज देख लें, तो तीनों सेक्टर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। पब्लिक सेक्टर में मोटरवेज में डैम्स भी अभी रिसेंटली हमारे शुरू हो गए, उसके अलावा ब्रिजेज और इस तरह के काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो गया हमारा। सबसे जो बड़ा इशू आ रहा है वो है प्रोक्योरमेंट, जो एजेंसीज हमारी कर रही हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है प्रोक्योरमेंट की, कि जो बाद में आप देख रहे हैं कि हम कारके के इशू में भी फंसे होते हैं इंटरनेशनली, हम उसके बाद रेकोडिक की प्रोक्योरमेंट करके उसमें भी हम सेटबैक हमें मिलता है, बाद में हमें उसके फ्लॉस समझ आते हैं कि जी ये प्रॉब्लम थी। तो उनको एड्रेस करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो कंसल्टेंट के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं उनका एक मेजर रोल बनता भी है और वो प्ले भी कर रहे हैं कि जो प्रोक्योरमेंट के हवाले से सेक्टर में वीकनेस है उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। उसकी इम्प्रूवमेंट किस तरह पॉसिबल हो सकती है कि एसीपी अगर आप अभी भी देखें जो कराची में रिसेंट आपके बोर्ड रहे हैं उसमें पी कैट पी की रिप्रेजेंटेशन है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन एसीपी की जो कि तमाम को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन अक्सर बोर्ड में रावी प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ वहां पर भी नहीं दी गई। कराची के जो अभी जो आपने रिसेंटली देखा होगा सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया उसमें भी रिप्रेजेंटेशन कंसल्टेंट्स की नहीं है। तो ये एक वायर मीडिया होता है कि आप एक प्रॉपर फोरम पे कंसल्टेंट के इशू या उनसे रेलिवेंट जो बात है वो पब्लिक सेक्टर में पहुँचा सकते हैं, पब्लिक सेक्टर की बात जो है वो हम तक आ सकती है। तो इसको जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला है वो तो नजीब हारून साहब भी चुके बैठे हैं और सिटिंग एम गवर्नमेंट में, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट होगी कि इसके लिए मैं समझता हूँ कि जब तक लॉ प्रोटेक्शन नहीं देगा, जब तक आप कोई बिल ला कर इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोक्योरमेंट्स और उनको प्रॉपर जो है वो एक प्रोटेक्शन में नहीं लाएंगे तो इन्वेस्टर्स जो है वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। इन्वेस्टर्स इस वक्त जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं वो हर कंपनी जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट करने आ रही है या इवन पाकिस्तान का कोई कंसोर्शियम है उसको ये फियर है कि जी जस्ट आफ्टर चेंज ऑफ गवर्नमेंट, जस्ट आफ्टर चेंज ऑफ सम पॉलिसी ये सब कुछ जो है सबोताज हो जाएगा और वो रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो जाएगी उस पर। तो एक ये था सर, दूसरा ये था कि स्टेप ये अभी इस वक्त चूंकि नजीब साहब ने भी और शेखानी साहब ने
प्राइवेट सेक्टर जो रियल स्टेट डेवलपमेंट है उसकी, मैं चूंकि एज ए कंसल्टेंट जो हमारे जितने मेजर कंसल्टिंग हाउस हैं वो प्राइवेट सेक्टर का जो अगर आप उसमें लगाएं स्कोप तो वो 30% है, 70% हमारे जो कंसल्टिंग हाउस है वो एंगेज हैं पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के साथ। सिमिलरली अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं जो 30-35% ऑफ द इकॉनमी में हम इनपुट देते हैं एज ए इंडस्ट्री, तो उसमें भी एक मेजर चंक जो है वो पब्लिक सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट साइड का है। तो जब हम उसकी बात करते हैं तो वो इस वक्त वो उससे मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी निग्लेक्टेड है, और पब्लिक सेक्टर को जैसे प्राइवेट सेक्टर को प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी काफ़ी इंसेंटिव दिए, टैक्स में रिलैक्सेशन दी, सिमिलरली अगर इस तरफ का जो सेक्टर हम देखते हैं तो अगर उसमें चूंकि वो पब्लिक सेक्टर में कंसल्टेंट और कंस्ट्रक्टर वो दोनों किसी न किसी रीज़न की वजह से किसी न किसी वजह से उनको काफ़ी पीछे रखा गया, उनको हाई लिया जा रहा है। वो बातें वही हैं जो नजीब हारून साहब ने की कि जो स्टैंडर्डाइजेशन है यानी कि पब्लिक सेक्टर में रेट्स की स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस की स्टैंडर्डाइजेशन, ये चीज़ें गवर्नमेंट्स के हवाले से पीसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल चूँकि मैं उसको भी रिप्रेजेंट करता हूँ तो वहाँ एक स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट या फिडमेंट उस पर कुछ ना कुछ हद तक तो काम हो रहा है, लेकिन उसमें इतनी इनामलीज और इतने इशूज अभी भी चल रहे हैं कि जिनकी वजह से काफ़ी इशूज फेस करने पड़ रहे हैं। उस रेफरेंस में मेरे ये एक प्रपोजल थी कि जिस तरह आपने बैंकिंग कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं जो कि बैंक चूँकि एक टेक्निकल मैटर है उसको रिजॉल्व करने के लिए, तो सिमिलर ग्राउंड पे आज जो है वो इंजीनियरिंग कोर्ट्स की एक बहुत बड़ी ज़रूरत सामने आ चुकी है, क्योंकि आपके बिलियंस ऑफ बिलियंस की इन्वेस्टमेंट सिर्फ जो PSDP है पाकिस्तान में प्रोविंशियल और फेडरल वो 2 ट्रिलियन के करीब इस वक्त हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे लगा रहे हैं। इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एशियन बैंक वर्ल्ड बैंक USAID और इस तरह के काफ़ी डोनर्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में वो मिला के पर एनम 3 ट्रिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट हमारी हो रही है पर एनम पाकिस्तान में, तो उसके जो इश्यूज हैं उसको जो एक सेटबैक मिल रहा है कि उनके जो इश्यूज इंजीनियरिंग इश्यूज सामने आते हैं वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट के बाद एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नैब के पास केसेस चले जाते हैं। नैब में केसेस जाने की वजह से वो प्रोजेक्ट्स आपके मेगा प्रोजेक्ट्स कास्ट ओवर रन का भी शिकार हो रहे हैं, आपके मेगा प्रोजेक्ट्स टाइम ओवर रन भी कर रहे हैं, उनकी टाइमली कम्प्लीशन नहीं हो रही, कोई यानी कि जो बेनिफिट्स हमने डिज़ाइन किए होते हैं कि आफ्टर 3 ईयर्स या 5 ईयर्स हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहे होते, तो उस हवाले से एक इंजीनियरिंग कोर्ट्स की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मैं समझता हूँ ज़रूरी है, ताकि कंसल्टेंट और कंस्ट्रक्टर के जो इशू विद इन फ्रेमवर्क हैं वो प्रॉपर मेरिट बेसिस पर जो है वो रिजॉल्व हो सके। सर बहुत ही अहम पॉइंट्स की जो बात की आपने जी, प्लीज प्लीज गो अहेड। कंसल्टेंट के हवाले से सर जो हम खुद फील करते हैं यानी कि एज ए प्रेजिडेंट मैं खुद भी इस चीज को रियलाइज करता हूँ कि R&D जो है उसको बहुत यानी कि रिवैम करके और उसको बहुत स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कंसल्टेंट साइड पे भी, कि जो प्राइवेट सेक्टर जो कंसल्टेंट का है कि पूरी वर्ल्ड में इस वक्त हम अपने नेबरहुड में दुबई में चले जाते हैं, हमारे टावर देखते हैं, ट्विस्टेड बिल्डिंग देखते हैं, आइकॉन टावर देखते हैं अबू धाबी में, एशिया में अगर हम बहुत डेवलप्ड कंट्रीज की बात ना कर रहे हैं हम थाईलैंड की बात कर लें वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं तो वो भी फार अवे यानी कि अभी तक पाकिस्तान उस लेवल पर भी नहीं पहुँच सका। इवन कोई एक ऐसे आइकॉनिक टावर या आइकॉनिक बिल्डिंग भी हम डेवलप नहीं कर सके पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि आबाद भी एक रोल बनता है प्राइवेट सेक्टर के हवाले से, कंसल्टेंट का भी रोल बनता है कि कुछ चीज़ों को हम एडवांसमेंट की तरफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर चल रही है चिंदी में मीडिया उन्हें हमें इमीडिएटली ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि अभी वो मटेरियल
जो हम से के 70 पाकिस्तान में रिपोर्ट के मिट्री उसकी मार्केट अब मिलकर की जरूरत है। जो मैं समझता हूँ कि अभी जो बहुत तेजी से जैसे शेखानी साहब ने बताया कि 5 मिलियन जो हाउसेस के हवाले से तकरीबन 10 लाख यूनिट्स का वो बता रहे हैं कि बहुत तेजी से इंशाल्लाह काम होने जा रहा है, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि चूंकि जब सेक्टर इतना फास्ट स्पेस पर आता है तो उसमें क्वालिटी और उसको कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। प्लस ये कि हमने अगर सिंध में ही कराची की अगर मैं बात करूँ, लास्ट 5 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस आपने मीडिया में भी और सब ने देखा है कि कुछ जो छोटी बिल्डिंग्स थी उनका कोलैप्स हुआ है और वो हाईली लाइव रिस्क भी गया और प्रॉपर्टी रिस्क पे भी गया, और एज ए प्रोफेशनल इंजीनियर वो एक बैड नेम भी था बिल्डर डेवलपर के लिए भी, कंसल्टेंट के लिए भी और इंजीनियर्स के लिए भी। तो उसके रेगुलेशन के लिए मैं समझता हूँ कि जो बिल्डर हैं उस पर आबाद को या तो पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल ऑलरेडी जैसे पब्लिक सेक्टर में कंस्ट्रक्टर को रेगुलेट कर रहा है, तो डेवलपर को भी उसमें आना चाहिए कि डेवलपर को भी रेगुलेट किया जाए या रजिस्टर किया जाए ताकि कुछ एक मेरिट्स या कुछ उनके कैटेगराइजेशन के जी किस लेवल पे कौन सा कंपनी या कौन सा बिल्डर किस लेवल पे काम कर सकेगा। अदरवाइज एक मशरूम ग्रोथ अगर हो जाती है तो उसमें कल को खुदा न खास्ता क्वालिटी के या अदर डिज़ाइन इशूज के हवाले से कोई चीज़ें सामने आएँ तो वो भी एक काफ़ी बैड नेम लाएगा जी। मेरा ख्याल है हमने इस पर खासी बहस कर ली है। थैंक यू मच, अगर कोई सवाल है तो आप कर। या थैंक यू। दो चीज़ें हैं फिर हमारी बात करने की, एक फर्दर थोड़ा सा डिस्कशन करें कि हमारे प्रिवेलिंग जो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स हैं वो क्या हैं, और दूसरा जो है वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का जो स्टेटस है वो क्या है। तो पहले ये प्रिवेलिंग जो इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स हैं उसके लिए मैं दावत दूँगा एजाज साहब को कि बात करें इसके ऊपर। एजाज साहब का ताल्लुक आरिफ हबीब ग्रुप से है और माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स के ऊपर और बहुत सारे फैसिलिटी मैनेजमेंट के एक लीड रोल में इन्होंने काम किया और कर रहे हैं। तो ओवर टू यू एजाज साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपका बहुत आवाज़ जी थोड़ी सी अगर ज़्यादा लाउडली बोल सकें जी। इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो आपने बात किया मुझे इसके हाईलाइट करना चाहूँगा, जो भी स्कीम ऑफ फीस हम बनाते हैं तो जी जी इसमें इन्वेस्टमेंट को भी एक कलीबी हैसियत हासिल होती है, और जहाँ इन्वेस्ट बात करते हैं हमें इस चीज़ को अप्रीशिएट करने की ज़रूरत है कि हम उस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें जिसमें मैनेजर इन्वेस्टर नहीं है, यानी ये थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट है जो हम प्रोजेक्ट्स में लाने की बात कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का बल्क है वो मैनेजर इन्वेस्टर्स हैं, यानी अपने ही पैसे लगाते हैं, अपने ही प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, और जो हमारे यहाँ कमी है वो इस चीज़ की है कि हम लोग पार्टी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं कर सके हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, और जब भी हम कोई बड़ा काम करने जाएंगे तो हमें थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपका इन्वेस्टर फ्रेंडली होना चाहिए, और दूसरा बिजनेसेस की ट्रांसपेरेंसी बहुत मैटर करती है। जब भी आप थर्ड पार्टी पे एक्सपोजर लेते हैं जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी कैसी है उसकी ऑपरेशंस में, इसमें हम लोग अभी लैक कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये हम ग्रेजुअली इम्प्रूव करेंगे। अगर आप देखें तो एक GLL वाले एक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स निकालते हैं हर 2 साल में, उसमें पाकिस्तान की जो रेटिंग है हम 73rd रैंक पे आते हैं आउट ऑफ 99 कंट्रीज, विच शोज़ के हम लोग अभी इस सिलसिले में हमें कितना काम करना बाकी है। इस सिलसिले में किसी किरदार अदा करना है वो जैसे आबाद के मेंबर्स को करना है, और मुझे बड़ी खुशी है कि मोहसिन भाई यहाँ मौजूद हैं। मोहसिन भाई ने क्योंकि पाकिस्तान से बाहर भी काम किया है तो इनके जहन में एक मॉडल है कंप्लायंस का और किस तरह से ट्रांसपेरेंट ऑपरेशंस करने हैं,
उस सिलसिले में मेरी इनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि ये अपनी कम्युनिटी को लीड करेंगे कि हम इस ट्रांसपेरेंसी के गाइड करें। अभी ये हमारे यहाँ बहुत स्लो हो रहा है। दूसरा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की साइड पे जो सबसे बड़े हमारे फाइनेंशियर्स हैं वो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो मॉर्गेज फाइनेंस के थ्रू हमारी इंडस्ट्री को फाइनेंस करते हैं। तो उसमें जो हमारे फोरक्लोजर लॉज हैं वो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड से कंपेरेबल है। ज़रूरत है, कुछ काम उसमें हुआ है, लेकिन ये वैसे भी एक चैलेंज रहेगा। इस्लामिक प्रूडेंस में काजी की एक अथॉरिटी है और प्रेसिडेंस ऑफ लॉ से ज़्यादा काजी की जजमेंट मैटर करती है, तो ये चैलेंज एक हमारे यहाँ हमेशा रहेगा। लेकिन हमको फोरक्लोजर लॉ को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तीसरा, हमारे पास अभी रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स नहीं हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को एडवाइस करें। जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देयर आर सेंस्ड फाइनेंस कंपनीज, वो काम कर रही हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में भी रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड एडवाइजर्स होने चाहिए जिनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन और नॉलेज बेस हो कि वो इन्वेस्टर को गाइड कर सके कि उनकी रिस्क एपेटाइट, उनकी रिक्वायरमेंट से वो प्रोजेक्ट को मैच कर सके। ये वाला एरिया है जिसमें हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। चौथा, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हमको ऑपरेशनल रिस्क कम करने की ज़रूरत है। रिस्क कम करने का एक तरीका तो ये है कि हम अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करें, जो ये हमारी जो कंस्ट्रक्टर्स की कम्युनिटी है उनको भी ये रोल प्ले करना है कि जो उनके मेंबर्स हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मीट हो और उससे प्रोजेक्ट्स में जो ऑपरेशनल रिस्क है वो एड्रेस हो। सो ये चार चीज़ें हैं मुझे लगा कि फोरक्लोजर लॉ सही होने चाहिए, हमारे ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी चाहिए जिसके लिए आबाद को एक बड़ा रोल प्ले करना है, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनको स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहिए, और हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होने चाहिए जो लाइसेंस्ड हों और नॉलेजेबल हों कि वो लोगों के रिस्क एपेटाइट, रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट की नेचर से उसको मैनेज कर सकें प्रॉपरली। थैंक यू सब वंडरफुल। दिस इज वेरी, आपने तो जिसको कहते हैं कि दरिया को कुएं में बंद करना, तो वो इतनी सही मोटी मोटी चीज़ें जो हैं, भारी भारी चीज़ें, उनका आपने बहुत ही आसान अल्फाज में बयान किया है, वंडरफुल। अच्छा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत अभी इब्तदाई काम ही हुआ है, बहुत कम काम हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर का एक विज़न है कुछ मॉडल सिटीज़ का, उसी हवाले से एक लाहौर में वहाँ एक मॉडल सिटी का जो कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट उसके लिए दरकार है, उसका अनाउंसमेंट हुआ है। इसी तरीके से ऑन रिकॉर्ड है कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि कराची के भी करीब में एक मॉडल सिटी का तैयार किया जाएगा, और ये जो है सारा कुछ इन्वेस्टमेंट और ये सारा कुछ जो अंडरटेकिंग है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए से ही सोची जा रही है। तो इस हवाले से ये एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंस हासिल करने जा रहा है नियर फ्यूचर में। तो हमारे आसिफ हैदर मिर्ज़ा साहब ने इस हवाले से बहुत काम किया है, और इनका जो था पॉलिसी फ्रेमवर्क में भी इन्होंने गवर्नमेंट्स को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया है। तो ओवर टू यू आसिफ हैदर साहब, आप बताइए इसमें आपका क्या तजुर्बा है और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कैसे हम एक तेज़ी के साथ इस सिम्ट में बढ़ सकते हैं आगे। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच खालिद साहब फॉर इनवाइटिंग मी एंड अमंग दिस ऑगस्ट गैदरिंग। सबसे पहले तो मैं सबको, जो भी इस वेबिनार में लोग अटैच हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पाकिस्तान में थोड़ा सा इन्फेंसी स्टेज से आगे बढ़ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास बहुत प्रॉपर फ्रेमवर्क, रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मौजूद हैं। हर जो हमारा प्रोविंस है, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK एंड फेडरल, एवरी इंडिपेंडेंट प्रोविंस हैज इट्स ओन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट, जो कि बहुत वेल डिफाइंड एक्ट है। उसमें इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन से लेकर हर चीज मौजूद है जो कि एक लॉ में होनी चाहिए।
Let me give you a very brief background. जब हमने सिंध में 2009 में पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो कि एक 57 किलोमीटर रोड है हैदराबाद मीरपुर खास, एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वॉज ऑफ द व्यू कि जब तक आप पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ नहीं लाएंगे और वो जो चैलेंज, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है और जो रिस्क मैट्रिक्स है वो कवर नहीं हो सकेगी, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कभी भी बहाल नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2009-2010 में हमने वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट सिंध में बनाया और सिंध असेंबली ने उसको अप्रूव किया, और उस अप्रूवल के बाद सिंध में इस वक्त मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद मीरपुर खास रॉयल कैरेज वे, मलीर एक्सप्रेस वे, लिंक रोड, हैदराबाद ठट्टा, झरक मुल्ला कातियार और हैदराबाद सखर आने वाले प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं। इसके अलावा पूरे मुल्क में बहुत सारे, इसके अलावा लेफ्को है, लक पास टनल है, लाहौर में रिंग रोड्स हैं, सवात एक्सप्रेस वे, M2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हम ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे कर चुके हैं। इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स में भी P3 के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हेल्थ सेक्टर में। तो कहने का मकसद ये था कि जो लीगल फ्रेमवर्क है वो काफ़ी हद तक वेल एस्टेब्लिश्ड है अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट, हर सूबे का एक अलग एक्ट है और इवन फेडरल में भी PPP की सेपरेट अथॉरिटी है जिसको चेयर करते हैं असद उमर साहब। बेसिकली आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से पर्टिकुलरली अगर मैं बताना चाहूं कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू स्टिमुलस, इकोनॉमिक स्टिमुलस क्रिएट हो सकता है, वो क्रिएट हो सकता है वेरियस, जैसे फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी है, नया पाकिस्तान है बेसिकली। मैंने फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हाउसिंग स्कीम और नया पाकिस्तान को टेलर मेड प्रोडक्ट्स पूरी बना के दिए हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप किस तरह से किसी प्रोजेक्ट को अनाउंस करेंगे, उसकी क्या मोडस ऑपरेंडी होगी। जिस तरह अभी एजाज साहब ने इश्यूज को हाईलाइट किया है, वसीम अजहर साहब ने भी हाईलाइट किया है, उन इश्यूज के भी उसमें सॉल्यूशन दिए हैं कि एक्सेस टू फंड कहाँ तक पहुँचेंगे और फिर फंड्स लगाने वाले जो लेंडर्स हैं या जो प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स हैं उनकी किस तरह से प्रोटेक्शन होगी। डिटेल में अगर किसी को वो प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ बेसिकली। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे यहाँ बहुत सारे, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, जो अपनी बहुत बड़े बड़े लैंड के चंक्स होल्ड करते हैं, उनको हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसमें जो मैकेनिज्म डिफाइंड है उसके तहत उनको प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए जिसमें वो जमीन के मालिक अपनी जगह रहेंगे और एक 25-30 साल के लाइसेंसेस इशू करें, तो बहुत सारी रेंटल रीट्स की जाती हैं। इस तरह जैसे अभी एजाज साहब ने तस्करा किया था कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कुछ एनहांसमेंट की जरूरत है, तो फॉर द नॉलेज वेरी सून इंशाल्लाह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ मिलकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर रीट का चैप्टर एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस में ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे लिस्टिंग पब्लिक रेगुलेशंस हैं 2017, वहां पर भी एक क्लॉज है जिसके तहत ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लिस्ट किए जा सकते हैं, वहां पे भी इस किस्म की अमेंडमेंट्स क्रिएट की जा रही है कि एक्सेस टू फंड को इम्प्रूव किया जा सके और फंड्स के चैनल जो कि सिर्फ आजकल, जैसे अभी कहा भी गया कि सिर्फ हमारे नॉर्मल टिपिकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं सो कॉल्ड, लेकिन हम जनरल पब्लिक से इसमें पैसा मोबिलाइज नहीं कर सकते, तो वहां भी अमेंडमेंट की जा रही है ताकि जो रीजनेबल रिस्क मैट्रिक्स को कवर करते हुए प्रोजेक्ट्स हैं वो जनरल पब्लिक से भी पैसा हासिल कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो अभी तक सक्सेस है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत के पास पैसे और ज़राए बहुत कम हैं और वो लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर को दे के उनको डिवेलप करना चाहती है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स ही एक फ्यूचर है पाकिस्तान का, और इसमें आपको इस वक्त सुन के हैरत होगी कि 17 से 18 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है, कोई बिडिंग में है, कोई बिडिंग के बाद जा चुका है। इवन टुडे, आज के दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक प्रोजेक्ट शेखुपुरा से गुजरांवाला तक की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसको जहन में रखते हुए हम एयरपोर्ट्स की प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, बस टर्मिनल की ला सकते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी, रेलवे ट्रैक्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बहुत आसानी के साथ स्ट्रक्चर की जा सकती हैं। असल चीज है इसको समझना और इसमें प्राइवेट सेक्टर का आना। कुछ देर पहले वसीम अजहर साहब ने कहा कि एंड राइटली पॉइंटेड आउट कि प्राइवेट सेक्टर का जो
कॉन्फिडेंस का लेवल है वो शेटर होता है आफ्टर प्रोक्योरमेंट इश्यूज के, जब वंस प्रोक्योरमेंट हो जाती है और उसके बाद उसमें इश्यूज अराइज होते हैं, मगर उन छोटे से इश्यूज को मेरे नजर में इग्नोर करते हुए जहां मेजॉरिटी सक्सेस है उसकी तरफ देखना चाहिए, देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और हमें उस चैप्टर को जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जैसे जैसे हमारे रेगुलेटर्स और हमारी एजेंसीज भी ग्रो करेंगी, ऑब्वियसली ये इश्यूज कम होते जाएंगे। बट पाकिस्तान की मार्केट P3s के लिए बहुत बड़ी है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। एक और भी मैं आपको चीज बताऊं, बेसिकली जो बहुत अच्छा आइडिया थोड़ी देर पहले नजीब हारून साहब ने दिया स्लम्स रिन्यूअल के, स्लम्स रिन्यूअल्स के ऊपर भी P3s की प्रोजेक्ट मौजूद हैं कि जिसमें वो एग्जिस्टिंग जो हमारे शेंटी टाउन्स हैं उनकी जो जमीनें हैं वो पूल में लेके उनको फॉर द टाइम बीइंग रीसेटल करके वहां स्ट्रक्चर्स हॉरिजॉन्टल खड़े करके और फिर उनको एनहांस्ड वैल्यू पे वो प्रॉपर्टीज देना, और जो आपने एडिशनल प्रॉपर्टी क्रिएट की है उसी स्पेस पे उससे उसकी कमर्शियल अर्निंग्स करना, ये अभी बहुत रिसेंटली इंडिया में बड़ा कॉमन है ये इन इस किस्म की प्रैक्टिसेस, बट पाकिस्तान में भी ये डिजाइन हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं। हमारा हाउस जो के 2008 से इन प्रोजेक्ट्स को देख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हैव लॉट ऑफ क्वेरीज एंड वी आर इन दिस प्रोजेक्ट। दिस इज अ वेरी ब्रीफ अबाउट के जी ये कुछ मौजूद है हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन की साइड के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मोर ऑर लेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 20-25% लैंड की वैल्यू होती है, और लैंड की वैल्यू के साथ अगर कोई प्राइवेट सेक्टर आना चाहता है तो देयर आर वेरियस प्रोजेक्ट्स जो कि पब्लिक सेक्टर के साथ मिल के डिजाइन किए जा सकते हैं, न सिर्फ जिसमें एक्सेस टू फंड का इशू रिजॉल्व हो सकता है बल्कि उसके साथ जो डिमांड का रिस्क है वो भी काफी हद तक कवर हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं सिंध गवर्नमेंट के पास भी, पंजाब गवर्नमेंट के पास भी। सो आई मस्ट से दैट देयर इज अ ट्रेमेंडस स्कोप इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन पाकिस्तान, especially with this construction and infrastructure side. Thank you ji, koi aur sawal hai isse related to? Nahi, thank you so much Asif sahab. I think jo hamare paas waqt tha uske lihaz se ek bada acha mufeed ek discussion hua hai, aur jitne mukhtalif pehlu the jo humne soche the wo humne alhamdulillah sare is pe zere behas leke aaye hain. नजीब हारून साहब से ये जान के डेफिनेटली बड़ा एक इत्मीनान की बात भी है, एक रोशनी की उम्मीद भी है अच्छी कि गवर्नमेंट का एक विज़न क्लियर है, गवर्नमेंट के पास एक रोड मैप है कि सिलसिले में कैसे आगे बढ़ना है, स्लम्स का अपग्रेडेशन भी है उसमें, और उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी जो हैं वो आपके जो मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स हैं वो चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो अनाउंसमेंट्स हैं अपनी जगह, और उसके साथ साथ जो थी उस पर क्योंकि एक बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग भी हो रही है चीज़ों की, तो उससे हम डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि उससे डेफिनेटली हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें जो था वो वक्त के साथ साथ बेहतरी आएगी। इंजीनियरिंग कोर्ट्स के हवाले से बात की गई है कि इंजीनियरिंग कोर्ट्स की एक बड़ी अहमियत है, आई थिंक दैट्स रियली क्वाइट ए नीड ऑफ टाइम कि हमारे जो ये प्रोजेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट्स पे जिस तरीके से उसका शिकार हो जाते हैं एक अनसर्टेनिटी का नैब की वजह से FIA की वजह से, उसका कोई मैकेनिज्म रियली अच्छी तरीके से एक डिफाइन होना चाहिए, और प्रॉबेबली इंजीनियरिंग कोर्ट्स का एक बड़ा अच्छा एक निशानदेही की गई है। स्टैंडर्डाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस मिल ही नहीं सकता जब तक कि आपके सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो ना हो, तो ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें हमें स्टैंडर्डाइजेशन को भी हेल्प मिलती है, इन्वेस्टमेंट में हेल्प मिलती है, वो सब कुछ बहुत इंतहाई ज़रूरी है। वी शुड हैव रियली सम प्रोटेक्शंस फॉर द इन्वेस्टमेंट, और उस तक पहुँचने के लिए ज़रूरी होगा कि लाइसेंस एडवाइजर्स हों, लाइसेंस्ड और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स हों, असेसमेंट्स हों उसके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो था वो फ्रेमवर्क अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बयान किया गया मौजूद है, और उस हवाले से काफ़ी पेशरफ्त न सिर्फ हो चुकी है बल्कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेच्योर होने जा रहे हैं जल्दी, तो ये बड़ी एक अच्छी खुशाइंद बात है, और उससे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बूस्ट मिलेगी।
लेकिन मेरा ख्याल है कि टोटली अगर इसको टोटैलिटी में अगर इसको समझा जाए तो जो एक कंसेप्ट है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मेरा ख्याल है वो डोमिनेट करता है हर बिजनेस सेक्टर में, और इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी डोमिनेट करेगा कि व्हाट इज़ द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, टू हाउ मेनी डिफरेंट क्वार्टर्स डू यू हैव टू गो टू गेट अप्रूवल्स टू गेट सर्टिफिकेशंस। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कहीं भी आप चले जाइए, पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है वो बहुत पीछे है, बहुत डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ के मुकाबले में भी पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो बहुत पीछे है। और उसकी वजह क्या है? वजह ज़ाहिर है वो यही है कि हमारे पास कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स ऐसे नहीं हैं जिसमें कि तेज़ी के साथ चीज़ों का फैसला हो सके और उसमें जो थे जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसका वो किया जा सके। मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, उसमें जो थी वो एनर्जी कंजर्वेशन से मुतालिक भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सेफ्टी से भी मुतालिक डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो स्पेस यूटिलाइजेशन वगैरह है उसके हवाले से भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है उसका। अब वो उसमें कैसे इंश्योर किया जाए कि वो वाकई जो कागज़ पर लिखा है वो मंजिल तक पहुँचता भी है, होता भी है, नहीं होता, ये एक चीज़ है जिसमें मैं समझता हूँ नजीब हारून साहब जैसी शख्सियात को इस पर गौर करना होगा। हमारे वसीम असगर साहब भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में भी उनका एक अमल दखल है, और उसके साथ साथ हमारे एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स के भी हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट वेरी पॉजिटिव इनपुट्स केम फ्रॉम मोहसिन शेखानी साहब, और आपका भी एक बड़ा अच्छा विजन है उस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो जिन चीज़ों पर बात की गई है इस पर अगर हम एक अच्छा एक लाहेमल गवर्नमेंट बनाए इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए, तो डेफिनेटली वाई नॉट, we have all the potential, we have all the competent people available. Pakistani jo hai bahar ja ke itna shandar kaam karte hain, yahan kyun nahi kar pate? Yahan isliye nahi kar pate ki yahan pe wo regulatory frameworks nahi hai, masail ka shikar hai. Aapko bahut sari jagahon pe ja ke fir apna madha bayan karna padta hai, aur uske baad bhi fir bade lambe arse intezar karna padta hai ki aapko jo matlooba nataij hai wo hasil ho sake, aapka jaiz haq aapko mil sake. To is taraf koshish karne ki zarurat hai, jo maine kaha ki ease of doing business, that is really a very clear statement jiski hum sabko zarurat hai. Allah kare hamare liye cheeze aasan ho jaye, Allah hamare liye aasaniyan paida kare aur Pakistan ke liye aasani ho. Aur iske sath sath hi main tamam panelist hazrat ka shukrguzar hu, aap tashreef laaye, aapne waqt lagaya, aur मैं उम्मीद करता हूं कि हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद कर रखेंगे कि इससे खातिर ख़्वाह नताइज हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।